अब देखिए, जब भी किसी इंसान को पेन होता है, दर्द होता है, कंधों में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, ये दर्द के दीज आर 18 टेंडर पॉइंट्स, इन्हीं में दर्द होते हैं नॉर्मली मेजरली। इनमें से किसी में भी आपको दर्द हो रहा हो, ये सब में दर्द हो रहा हो, अगर सब में दर्द हो रहा हो, उसको नाम दे देंगे फाइब्रोमेल्जिया, तो डॉक्टर बोलेगा आपको फाइब्रोमेल्जिया हो गया है, तो लगेगा अरे बाप रे मैं तो मरने वाला हूँ, राइट। तो क्या है कि कोई भी सिंपल चीज़ को एक बड़ा सा नाम दे दो और वो वहीं मर जाएगा आधा तो नाम सुन के ही, राइट। तो व्हाट इज फाइब्रोमेल्जिया, व्हेन यू हैव पेन इन सर्टेन नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो आप उसको फाइब्रोमेल्जिया का बोल सकते हैं कि मैं तो फाइब्रोमेल्जिया का डॉक्टर हूँ, तो बोलेगा कि कुछ होगा अजीब सा, हाँ। तो लेकिन ये क्या है कि व्हेन देयर आर मेनी टेंडर पॉइंट्स, जहाँ जहाँ आपको पेन है, तो ये सारे कोई भी एक पॉइंट हो या 18 के 18 पॉइंट हो जहाँ दर्द कर रहा है, जैसे ही आप हॉट वाटर इमर्शन में बैठेंगे, 2 घंटे बाद जब उठेंगे, आपका पेन की इंटेंसिटी मैंने देखा ऑन एवरेज इट गोज रिड्यूस बाय 50% फर्स्ट टाइम में, अगली बार थोड़ा और कम, राइट। वो DIP डाइट का भी रोल अलग से है, जो वो करेगा उसका और ज़्यादा अच्छा। सो व्हाट आई मीन टू से कि जब पेशेंट को इस फॉर्म में बिठा रहे हैं, तो हम किडनी नहीं ठीक कर रहे हैं, सर हम किडनी ठीक करने के लिए बिठा भी नहीं रहे, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि उसके बॉडी में जो भी फालतू की चीज़ है बॉडी से बाहर निकल जाए, दैट्स ऑल वी वॉन्ट, दैट्स ऑल यू वॉन्ट, राइट। और कैंसर के केस में हमने देखा हमारे कितने कैंसर पेशेंट्स हैं, देखिए कैंसर में ये आप आगे बताइए कैंसर पेशेंट को, मान लो किसी को ट्यूमर है बहुत ज़्यादा बड़ा, ट्यूमर जब बढ़ता जाता है, मान लो ये बैलून है, इसको मैं फुलाता जाऊँ, एक पॉइंट आएगा जब थोड़ा सा और हवा भरे तो बस्ट हो जाएगा, राइट। तो एज इफ कि ये बलून चिल्ला रहा आप मत फुलाओ, जितना फुलाएंगे उतना मुश्किल भी होता जाएगा फूक मारना, ठीक उसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर ट्यूमर बढ़ता जाता है, ट्यूमर के लिए बॉडी में कोई जगह नहीं है, तो अपनी जगह बनाएगा, तो आपकी पेन की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। ऐसे में पेशेंट जब चिल्लाता है, बहुत चिल्लाता है, तो डॉक्टर के पास जाएगा, हॉस्पिटल जाएगा, या तो वो सर्जरी करने की कोशिश करेंगे, सर्जरी करेंगे तब भी वो गड़बड़ है, हम गलत जगह से उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। सो दैट इज नॉट अ सोल्यूशन, या फिर उस वक्त उसको शांत करने के लिए मॉर्फिन, इस तरह का एक्सट्रीम पेन किलर देंगे। देखिए मॉर्फिन क्या करता है, क्या वो उसके पेन को रिड्यूस करता है, यू नो वेल पेन को रिड्यूस नहीं कर रहा है, पेन के एहसास को रिड्यूस कर रहा है, अपनी जगह पे प्रॉब्लम वहीं की वहीं है, लेकिन एज इफ कि वो ड्रग्ड है, तो उसको पता ही नहीं है, नशे में है, उसको वो डिस्कनेक्ट हो गया उस पेन से, उस पेन के जब तक उस मॉर्फिन का असर रहेगा तब तक पेन का जो सेंसेशन उसे फील नहीं होगा, ब्रेन ने डिस्कनेक्ट कर दिया, तो मतलब डेंजर उतना ही है, और ज़्यादा डेंजर है उसे एहसास भी नहीं कि डेंजर है, गेटिंग द पॉइंट, राइट। तो जो मॉर्फिन वाले पेशेंट हैं, जो दिन में 2 बार लेते हैं, 12 घंटे तक असर रहता है, फिर दोबारा लेते हैं, ऐसे पेशेंट जब हमारे हॉस्पिटल में आते हैं, हिम्स डेराबसी में अब अगर जाएं, तो हम देखते हैं कि वो 2 डोज लेता है, राइट, सुबह 12 बजे, दोपहर को 12 बजे, रात को 12 बजे, फॉर एग्जाम्पल। तो पेन के शुरू होने से पहले ही 1 घंटे से 2 घंटे के लिए हम टब में बिठा देते हैं, राइट। तो पेन के सेंसेशन आने से पहले ही बिठा दिया, तो ये जो हॉट वाटर इमर्शन क्या करेगा, ये ब्रेन को नहीं स्विच ऑफ कर देगा, ये अंदर से कुछ फ्लूइड ओवरलोड को निकालेगा। तो याद रखिए, जो दोनों में पेन कम हो रहा है, मॉर्फिन भी पेन कम कर रहा है, अल्टीमेटली रिलीफ दे रहा है, और ये भी रिलीफ दे रहा है, लेकिन दोनों के मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड कीजिए, राइट। मॉर्फिन पहला और ये दूसरा, कौन सा मैकेनिज्म सही है, पहला है दूसरा, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। हमें पेशेंट को पेन रिलीफ करना है फास्टेस्ट, सेफेस्ट, एविडेंस बेस्ड, राइट, कॉस्ट इफेक्टिव, 0 cost, राइट। 5वें तक पहुंचेंगे, दैट इज एक्सेसिबल, उस पर आएंगे अभी, तो फास्टेस्ट होना चाहिए। अच्छा, क्या ये मॉर्फिन जितना फास्ट है, इससे ज्यादा फास्ट है, आप मुझे विश्वास नहीं करें, आई नो यू विल नॉट बिलीव दिस, एक बार करके दिखाएं, देखें तो हमने तो करके देखते हैं, इट इज एज फास्ट और इवन बेटर देन मॉर्फिन। तो फास्टेस्ट हो गया, सेफेस्ट है, इसकी मैकेनिज्म देखें, इसकी लिटरेचर देखें, अभी तक के एविडेंस देखें, जो या तो हमारे पास हैं या फिर पूरे दुनिया में जो हैं अब तक, अब से पहले। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग न्यू, मैं जो आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कोई नई चीज़ बता रहा हूँ, मैं सिर्फ नए तरीके से बता रहा हूँ, राइट। ये आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है, हम सिर्फ उसको सिंप्लीफाई करके आपको आप तक पहुँचा रहे हैं, अदरवाइज इट इज ऑलरेडी देयर। तो फास्टेस्ट, सेफेस्ट, एविडेंस बेस्ड, एंड इट ईजी टू डू, राइट, बिना किसी नुकसान के। और हर बार जब वो करेगा, हर बार उसका कैंसर, उसका ट्यूमर पहले से ज़्यादा रिग्रेस करेगा, कम होगा। अगले दिन जब करेगा तो उसका पेन की इंटेंसिटी उतनी नहीं होगी जितनी पहले दिन थी, जबकि मॉर्फिन जब वो लेता है हर बार उसकी इंटेंसिटी या ज़्यादा होती रहती है, मॉर्फिन का डोज भी उसको बढ़ाता रहना पड़ता है। गेटिंग द पॉइंट, दोनों की फर्क देखिए, राइट। आप यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि अलग अलग बीमारी, वो कैंसर भी है,
डायबिटीज भी है, बॉडी के पेन भी हैं, किडनी फेलियर भी है। हम जब बोलते हैं किडनी फेलियर, हिम्स हॉस्पिटल किडनी खोले, एक्चुअली ये जो टेक्निक इट इज नॉट जस्ट फॉर किडनी फेलियर, ये आपको क्लियर हो गया राइट। किडनी फेलियर नाम की कोई एक सिंगल डिजीज है भी नहीं वैसे देखा जाए तो राइट। आपको सिर्फ ये दिखता है कि उस इंसान को प्रॉब्लम है और दिखता है कि कहीं कहीं कुछ ना कुछ डिपॉजिट है, विजुअली बाहर से दिखता है राइट। तो या तो विजुअली दिखेगा या कोई टेस्ट करेंगे दिखेगा, जैसे ब्लड शुगर का टेस्ट करेंगे तो आपको दिख गया कि भाई इसके तो ब्लड में शुगर ज़्यादा है। तो कुछ भी ज़्यादा हो, सोल्यूशन आपके पास है राइट। सो दिस इज वॉट इज द सेफेस्ट वे। अब ये जो आपको दिखाया शुरू में, हमारे हिम्स हॉस्पिटल में बाथ टब वो लगा हुआ है, वी कॉल इट ग्रैड टब राइट, ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाइट टब राइट। तो वो हम अपने हॉस्पिटल्स के लिए बनाते हैं, करीब 38,000 पड़ता है जो हम देते हैं राइट। वी स्पेंड, कई बार पेशेंट बोलते हैं कि घर जाके कैसे करूँगा, आपसे ही खरीद लेता हूँ। तो ऑल दो हमारा बहुत लिमिटेड होता है, फिर भी जब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है तो वी गिव कि भाई आप घर ले जाओ। ऑल दो हम अपने लिए बना रहे हैं, वी डोंट वांट टू कमर्शलाइज इट, आप खुद अपना बनाओ जैसे हमने बनाया है। तो लेकिन 38,000 विच वी थिंक एक पेशेंट के लिए, गरीब आदमी के लिए ये भी ज़्यादा है अमाउंट। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, भारत देश इनोवेशन का देश है, आइडियाज़ का देश है और या फिर जुगाड़ का देश है। तो पूरे देश में कितने हिम्स खोले जाएं, हम 10 खोल सकते हैं, 100 खोल सकते हैं, 1,000 खोल सकते हैं, 1,00,000 तो नहीं खोल सकते, और खोल भी सकते हैं तो क्या उससे सब लोग सारी बीमारी कवर हो जाएगी? नहीं, वो तभी होगी जब हर घर के अंदर ही हो और वो जो पेशेंट हो खुद ही डॉक्टर हो राइट, तभी हो सकता है। इज इट डिफिकल्ट? इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। और इम्पॉर्टेंट क्या है कि ना केवल ये सिर्फ एक पेशेंट के लिए है, और भी किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है, किसी को पैर में दर्द है, कोई कैंसर है, कोई किडनी फेलियर है, सभी तो यूज़ कर सकते हैं राइट। और कब तक यूज़ कर सकते हैं? जीवन भर यूज़ कर सकते हैं राइट। तो आप जो लोग मुझे सुन रहे हैं, हम अपने घर में किचन बनाते हैं, टॉयलेट बनाते हैं, बेडरूम बनाते हैं, ड्राइंग रूम बनाते हैं, एक हिम्स हॉस्पिटल खोलिए एक कोने में राइट, छोटा सा। अब आता है कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हमें कई बार गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, पेशेंट है तो इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ती है। देखिए ये एक बात दिमाग में थी हमारे, इसीलिए तो हमने नेटवर्क बनाया, हेल्पलाइन नंबर हमारा है, उस हेल्पलाइन से पेशेंट हमें कांटेक्ट करते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी, छोटी मोटी कुछ होता है, और हम आपकी मदद से लोगों को बताते हैं। और डेली अपडेट के लिए पेशेंट्स के लिए वो एक ग्रैड ऐप है, वो ऐप हमने गूगल में नहीं डाला है, वो हमारे वेबसाइट पर है। उस ऐप के थ्रू पेशेंट को डेली बेसिस पे मॉनिटर करते हैं, यानी कि पेशेंट अपने घर में ही है राइट, हॉस्पिटल एट हिज ओन होम, घर के कन्वीनियंस में है। बिना जब वो आता है किसी हॉस्पिटल तो बड़ा खर्चा हो जाता है और वो मेंटल ट्रॉमा भी होता है, घर पे है तो उसे ये नहीं लग रहा कि मैं पेशेंट हूँ राइट।